हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कल जो हम ये वाली मटकी में एक्स शिफ्ट कर रहे थे, चलिए देख लेंगे आज हमारे एक्स है या नहीं, यानी लवबर्ड के एक्स यहाँ पर डाले थे हम। देखिए अभी तक आ रहा है यहाँ पर ही, और हमारी वाइट वाली फीमेल वहाँ पे ऊपर बैठी हुई है, वो वाली फीमेल इनको अच्छी तरीके से इंक्यूबेट भी कर रही है। इंशाल्लाह उस वाली मटकी में से चिक्स निकल जाएंगे लवबर्ड के। जैसे ही निकल जाएंगे हम थोड़े दिन के बाद इनको हैंड फीड पे ले लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बजीस इतना ज़्यादा नहीं खिला सकेंगे इतने ज़्यादा चिक्स को। तो दोस्तों, आज मैं अपने बर्ड्स को जो है ग्रीन वेजिटेबल्स दे रहा हूँ। चलिए ग्रीन वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से एक बार धो लेंगे हम, धो के फिर हमारे बर्ड्स को दे देंगे। दोस्तों देखिए, हमारी जावा की मटकी में कॉकटेल बार बार जा रही है। ये क्यों जा रही है यहाँ पर पता नहीं, बस चेक करूँगा मैं कहीं हमारे जावा में एक्स तो नहीं दे दिए। अभी एक्स तो नहीं दिया दोस्तों, लेकिन हमारी कॉकटेल बार बार जावा की मटकी में जा रही है, उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उसका अभी कुछ करना पड़ेगा हमें। चलिए हम थोड़ा ये वाला केज में भी पहले थोड़े से वेजिटेबल्स डाल देंगे। देखिए मेल रेडी है खाने के लिए, इनको ग्रीन वेजिटेबल बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ही मज़े से खाते हैं। तो डाल दिया हूँ, देखिए दोस्तों मैं जैसे ही डाला मेल आ गया है खाने के लिए। ग्रीन वेजिटेबल बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे बर्ड्स को। यहाँ पर भी बजीस आ रहे हैं खाने के लिए, सारे बजीस वहाँ पे ऊपर बैठ के देख रहे हैं कि मैं कब रखूँगा और ये कब खाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इतना काफ़ी रहेगा, यहाँ पर रख देंगे हम। और थोड़ा सा दोस्तों मैं ग्रीन वेजिटेबल थोड़े से यहाँ पर नीचे भी डाल दूँगा, जो हमारे बर्ड्स को उड़ने नहीं आता है वो नीचे आके खा लेंगे। चलिए दोस्तों, अब और थोड़े लेके आके बाहर जो हमारे केजेस में बड़े उनको भी दे देंगे। थोड़ी देर में आप देखिए हमारे बजीस आ गए खाने के लिए, सारे बर्ड्स आने के लिए दिख रहे हैं। हमारा पैरट भी यहाँ से आ रहा है। माशाल्लाह हमारे बर्ड जो है वेजिटेबल बहुत ही मज़े से बहुत ही शौक से खाते हैं। देखिए बर्ड्स आ गए बाहर, हेंचिक्स भी देख रहे हैं दोस्तों ग्रीन वेजिटेबल्स को। मैं उनको भी लेके आके दे दूँगा, थोड़ा बचा हुआ है इसमें। तो चलिए इनको भी थोड़ा लवबर्ड्स को भी दे दूंगा, क्योंकि लवबर्ड बेचारे अकेले हैं। ऊपर वाले लवबर्ड्स को भी दे दूंगा आज। इनका ब्रीडिंग बॉक्स हम खोल के भी देखेंगे कि इसमें एक्स आए हैं या नहीं। इनका ब्रीडिंग बॉक्स भी खोल के देख लेते हैं एक बार, इनका क्या प्रोसेस है कि एक्स आए हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, मैं अच्छी तरीके से ब्रीडिंग नेस्टिंग मटेरियल तो दे दिया हूँ, लेकिन अभी तक ये लोग ने ब्रीड नहीं किया है। ब्रीड तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन में इनके एक्स भी आ जाएंगे। चलिए सब ब्रीडिंग बॉक्स लगा दिया हूँ, 2-3 डेज में जो है इनके एक्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ब्रीड कर रहे हैं माशाल्लाह से। बहुत ही प्यारा कलर है हमारे ये वाले लवबर्ड्स का। देखिए दोस्तों, देखिए मैं कैल्शियम ब्लॉक यहाँ पर लगाया हूँ, फिर भी हमारा बजी जो है दिवाली खा रहा है। चलिए कैल्शियम ब्लॉक को मैं थोड़ा ऊपर लगाता हूँ, ताकि हमारे बर्ड्स यहाँ पर आराम से बैठ के खा सके। यहाँ पर ऊपर लगा दूंगा मैं इसे, या आराम से बैठ के खा लेंगे। दोस्तों हर जगह कैल्शियम ब्लॉक लगे हुआ है, यहाँ पर भी देखिए खा के हमारे बजीस ने कितना ज़्यादा ख़त्म कर दिया है। इसका मतलब हमारे बजीस को बर्ड्स को पसंद आ गया है। हमारे पैरट्स अभी बिजी है ग्रीन वेजिटेबल्स खाने में। बजीस ने भी अभी आकर पूरा देखिए ग्रीन वेजिटेबल्स खा लिया है, तकरीबन इन लोग ने खा लिया है, बाद में फिर से खा लेंगे। देखिए दोस्तों, वाइट वाली फीमेल जो है अपने मटकी में चले गई है फिर से एक्स को इंक्यूबेट करने के लिए। देखिए माशाल्लाह से, अब ज़्यादा हम डिस्टर्ब करेंगे तो फिर एक्स में नहीं बैठेंगी। हमारा कॉकटेल की एक प्रॉब्लम हो रही है, कॉकटेल की ये वाली फीमेल जो है, ये वाली बेचारे की जावा इतनी मेहनत से उसने नेस्टिंग मटेरियल क्रैक किया और अपना नेस्ट बनाया, और हमारा ये कॉकटेल की फीमेल जाके इसके अंदर बैठ जा रही है। बहुत ज़्यादा को अब इसे अलग करना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ पर ब्रीडिंग बॉक्स लगाया हूँ, यहाँ पर एक ब्रीडिंग बॉक्स लगाया हूँ, यहाँ पर एक मटकी लगाया हूँ, फिर भी यही मटकी में जा रही है ये। अब क्या कर सकते हैं, इसको अलग ही करना पड़ेगा, वरना हमारे जावा के को पूरा ख़राब कर देगी। हमारे ये वाली देखिए दोस्तों, ब्रीडिंग बॉक्स में जो बजी चिक्स थे, बताऊंगा आपको, यहाँ पर एक चिक बैठा हुआ है माशाल्लाह से, इतना बड़ा हो गया है कि इसे उड़ना भी आ गया है। और एक चिक बताऊंगा मैं आपको, रुकिए। यहाँ पर जो एक ग्रीन बैठा हुआ है, ये भी एक चिक की यही मटकी का है, माशाल्लाह से इनको अच्छी तरीके से उड़ना आ गया है। ये दोस्तों, अभी मैं कॉकटेल की फीमेल को हटा के आया था, फिर से ये मटकी में चल रही है जावा की, बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। आप लोग कमेंट करिए हमें कॉकटेल का क्या करना चाहिए, या तो इसे हम अलग केज में डाल देंगे, या तो क्या इसका सोल्यूशन है, आप लोग कमेंट करिए। तो यहाँ तक की दोस्तों हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमारे चैनल लाइफ इज पेट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।